बड़ा सरप्राइज वाला है, बहुत बड़ा जो है आज मीटिंग होने वाला है। बहुत ही ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट टेस्टमनी मिलेगा आज दोस्तों। तो ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए, लिंक शेयर कीजिए, लोगों को बतलाइए, लोगों को फोन कीजिए, मैसेज कीजिए। और जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने जो नए गेस्ट हैं उनको गेस्टों का वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करा सकते हैं दोस्तों। हैंड रेज कर सकते हैं आप, तो हैंड रेज करने के लिए आप सब जो है आ गया है, और हैंड रेज करके नए गेस्टों का वेलकम स्वागत जरूर कर रहे हैं। जो गेस्ट हैं उनको वेलकम स्वागत जरूरी है। और जो है अभी से लोग मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ वेलकम अनिल सर, मेरा ही वेलकम कर रहे हैं ये अश्विनी कुमार जी। बहुत अच्छा अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वेलकम करने के लिए। तो अश्विनी जी आपका जो है वेलकम, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जो मीटिंग में आने के लिए आप डेली आते रहिए 7:40 में, नए नए गेस्टों को लेके, नए नए लोगों को लेके आइए, और आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। लर्निंग के साथ अर्निंग का बिजनेस है, तो लर्निंग अर्निंग दोनों एक साथ होगा। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों को लाते रहिए। आज जो है टाइम अभी है, 1 मिनट का टाइम है। आज जो है संजय ठाकुर जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है आज की प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों। तो आज आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया जाए तो बिल्कुल वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि मैं जो है इजी फील नहीं करते हैं। और आज संजय ठाकुर ने स्पेशल बोला कि सर आज भी मेरा प्रेजेंटेशन रखिए क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे उनको आज का प्रेजेंटेशन दिया गया है। आज प्रेजेंटेशन किसी और का था, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं देना चाहता हूँ सर। कुछ स्पेशल धमाल करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, कुछ स्पेशल करेंगे हम। तो स्पेशल आप लोगों को मिलने वाला है आज के डेट में। तो आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों को भी सिखाइए, और जो है जो मीटिंग में लाइए डेली लाइए, डेली लोगों को सिखाइए। और सीखने सिखाने का बिजनेस है। यदि सही सोच, सही संकल्प के साथ, सही विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ यदि हम सीख के काम करेंगे तो जरूर हम इसमें सफल होंगे, और निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता मिलेगी मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ज्यादा ज्यादा लोगों को सोच सिखाइए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छे नीयत के साथ जो है आप जरूर सफल होंगे। आप जो है निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सफल होने के लिए आपको जो है सीखने सिखाने का काम करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा मीटिंग में। तो अभी संजय जी का टाइम हो गया, एक बार संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। संजय जी आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। शर्मा जी मीटिंग ज्वाइन करिए। हेलो, हाँ सर, संजय जी आपका रॉकिंग आपका रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके सर, तो अब मेरा टाइम शुरू हो गया है। हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। जी दोस्तों, अगर मीटिंग बीच में डिसकनेक्ट हो जाता है किसी कारणवश नेटवर्क, तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं संजय ठाकुर देवरिया इस जूम मंच पे आए, सभी पार्टिसिपेंट बहुत ही शानदार, 21 पार्टिसिपेंट ने हमारे साथ, हम लोगों के साथ जुड़ा है, तो सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत वेलकम करता हूँ मैं अपनी तरफ से, जो नए गेस्ट उनका भी, जो पुराने गेस्ट हैं उनका भी। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो प्रेजेंटेशन होगा, हमारे जो मेन मोटो है, हमारा जो मेन फोकस है, वो हमारी जिस कंपनी से हम जुड़े हैं, हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट को बताते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाओ, मतलब कि ज्ञान अगर पूरा नहीं है तो उसके बारे में आप क्षमा मांग लीजिए, कोई भी जरूरत नहीं है इधर उधर की बातें करने की। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, और आज का सेशन में हम लोगों का जो 9 इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी जो किंग ऑफ हर टाइप करते हो, जो गैनोडर्मा लुसीडियम जिसका नाम है, उसके बारे में डिटेल चर्चा होगी, और जो हमारे 8 प्रोडक्ट हैं, जो 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन विस्तार से हम आज गैनोडर्मा लुसीडियम के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे की कड़ी में चलना चाहता हूँ कि वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आपका स्वागत करता है दोस्तों।
क्या आपके जीवन में कोई चुनौती है? क्या आपको एक अच्छे जॉब जीविका की तलाश है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि आपकी जॉब खतरे में है? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों पैसा हेल्थ सब चाहिए आपको जिंदगी में, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए। अगर हेल्थ सही है, पैसा नहीं है तभी भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर पैसा हेल्थ सही है, पैसा नहीं है तभी भी गड़बड़ हो जाएगा, पैसा है हेल्थ नहीं है तभी भी गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों के साथ। तो दोनों चाहिए, जो दोनों इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है हमारे वहाँ। दोस्तों क्या आप अपने ऋण जो आप कर्जा लिए हैं या हम लिए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाइक लोन हो या कार लोन या होम लोन हो, से छुटकारा पाना चाहते हैं या मुक्ति पाना चाहते हैं दोस्तों? पर जरा सोचिए, ऐसा वास्तविकता में क्यों हो रहा है? अगर किसी साल आपने, मान लीजिए कि 1960 में आपने 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपने खर्चा, उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, 1980 में 1000 हो गया, वर्ष 2000 में 210,000 प्रति माह हो गया, वर्ष 2020 जो चल रहा है वो पूरा ही साल कोरोना काल के गाल में समा गया, और ये साल किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। उसी में जो बुद्धिजीवी, जो ज्ञान रखते थे, उन्होंने, उनको मिला रिनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसा प्लेटफॉर्म, जो कि आपको अब सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता है कि प्रति माह आपको कितना खर्चा। आप जितना ही इसमें डालेंगे, आप जितना ही इसमें अपने आप को रमाएंगे, उतना ही आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरतें और सपने तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन आमदनी के हिसाब से ही उसको। क्या आपके पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे आप अपनी जरूरतें और सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों? यदि नहीं तो आधुनिक विकल्प है दोस्तों आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें स्वागत करता है हम लोगों का रिनेटस वेलनेस। रिनेटस वेलनेस इज ए रिच ओरिएंटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी बेस्ड इन यूएसए दोस्तों, यूएस बेस्ड कंपनी है। कंट्री हेड मिस्टर सुनाकर नायक है दोस्तों, और कंपनी में हमारे जो भी इंग्रीडियंट्स है, जो हमारे इंग्रीडियंट्स है, आप सभी रोज जूम मीटिंग के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से रोज जानते हैं दोस्तों कि मैंगोस्टीन, मकारोट, ब्लैक करेंट, एल्डरबेरी, शोर चेरी, साइबेरियन जिनसेंग, शिगरू, रास्पबेरी, गैनोडर्मा लुसीडियम दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी ये हमारा रिनेटस नोवा चमत्कारी हर्ब है दोस्तों, 13 विटामिन से भरपूर है, 9 मिनरल से भरपूर है दोस्तों, 7 प्राकृतिक फाइबर होते हैं। फाइबर हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। 42 प्रकार के जैंथोम्स होते हैं दोस्तों, और 20 एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों। फैटी एसिड भी हमारे प्रोडक्ट में है, जो 9 इंग्रीडियंट्स है हमारे रिनेटस नोवा के अंदर, उसमें है दोस्तों। ओमेगा 3, 6, 9 से भरपूर है ये हमारा प्रोडक्ट। प्रोटीन से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा न्यूट्राश्यूटिकल्स होता है, उसी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और आप लोग कहीं भी जाते हैं मार्केट में तो दो सिंबल देखने की कोशिश करते हैं, एक लाल सिंबल, एक ग्रीन सिंबल दोस्तों। जैसे ही लाल सिंबल का केक आपको दिखाई देता है तो आप उसको नहीं लेते, जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन में आते हैं, तो हरी सिंगल देखने के बाद ही दोस्तों। तो इसी तरह हमारा ये रिनेटस नोवा प्रोडक्ट है दोस्तों, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है दोस्तों, WHO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है कंपनी दोस्तों, इंटरनेशनल IFA जो होता है वो हमारा सर्टिफाइड है दोस्तों। रिनेटस नोवा की जरूरत क्यों है दोस्तों? इसलिए जरूरत है दोस्तों कि जो हम हवा ले रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन हमको मिल रहा है, जो हमको हवा से प्रदूषण मिल रहा है, उससे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे एकदम छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, अगर रोज हम हवा, पानी, भोजन लेते हैं दोस्तों, वाटर भी हमारा बहुत ही, पानी भी हमारा शुद्ध नहीं है, जिससे टॉक्सिन का एक्युमुलेशन होता है, टॉक्सिन जमा हो जाता है, विष जमा हो जाता है दोस्तों, उसी के लिए हम ये रिनेटस नोवा जरूरी है हमारे लिए दोस्तों। जो पेस्टिसाइड है हमारे, जो खेतों में खा फलों में, अनाज में जो छिड़काव होता है, कीटनाशक ये दवा होता है, कीटों को किल कर देता है, मार देता है। जरा सोच के देखिए, जरा फील करके देखिए दोस्तों कि वो चीज हम खाते हैं तो क्या हमारे सेल्स, जिसका जिस सेल से हमारे पूरे शरीर की रचना हुई है, जिस सेल से हमारे पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है,
हुआ है और यही सेल्स दोस्तों हमारे बॉडी का निर्माण करता है। और रोज हम लोग जूम मीटिंग में सुनते हैं दोस्तों कि शरीर सिस्टम ऑर्गन टिश्यू सेल्स, यानी कि दोस्तों सेल से टिश्यू की निर्माण होती है, टिश्यू से ऑर्गन्स की निर्माण होती है, ऑर्गन से सिस्टम की निर्माण होती है और सिस्टम से पूर्ण रूप से मेल फीमेल बॉडी का निर्माण होता है दोस्तों। तो रेनेटस नोवा हमारे शरीर में कैसे काम करता है दोस्तों, रेनेटस नोवा जैसे ही हम इंटेक करते हैं लेते हैं अपने शरीर में, सुबह गर्म पानी में शीशे के गिलास या कांच के बाउल में लेते हैं दोस्तों, तो वो जाके हमारे सेल्स की सफाई करता है। जैसे विषैले तत्वों के कारण आंतों द्वारा पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण नहीं हो पाता है और यही ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण होता है दोस्तों। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं आपको आगे कि जो हमने एक बात बोली थी कि हम ज्यादा चर्चा करेंगे गाइनोडर्मल ओसिडियम के बारे में दोस्तों। तो पहला जो कारण हम लोगों का आता है, चार कारण जो होता है, पहला कारण आता है दोस्तों कि टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन खास आप डिजीज जो होता है हम लोगों की, टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होता है दोस्तों। दूसरा होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, तीसरा होता है रेडिएशन अटैक, चौथा होता है स्ट्रेस एंजाइटी चिंतन दोस्तों। तो टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, जो विष होता है हवा पानी भोजन के द्वारा वो हमारे शरीर में पहुंचने के जो माध्यम होता है दोस्तों, तो आगे उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के समक्ष दोस्तों। विभिन्न प्रकार के विष शरीर में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने की चीजों के द्वारा तथा वायरस के रूप में जानबूझकर लिए गए विभिन्न विष जैसे शराब, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि के रूप में प्रवेश करते हैं। अब हम भली भांति देख सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रदूषित हवा में हम जीते हैं क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे, जो पानी हम पीते हैं क्या वह पीने योग्य है दोस्तों, क्या पानी के बगैर जीवित रह सकते हैं, नहीं दोस्तों, क्या जो भी हम खाते हैं वो शुद्ध और सुरक्षित है दोस्तों, अन्य रोगियों से संक्रमण से मिलने वाले और विभिन्न संसाधनों से शरीर में प्रवेश करने वाले वायरसों से हम सुरक्षित हैं, क्या हम औषधि और रसायनों के दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट एवं संक्रमण इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, नहीं तो यह भी सुनिश्चित नहीं है कि कभी न कभी हम किसी भी साध्य असाध्य बीमारी की चपेट में आने से अपने आप को न बचा सके दोस्तों। और सबसे शानदार, सब जगह आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि पहला सुख होता है जो, वो पहला सुख निरोगी काया को ही माना गया है दोस्तों। रोगी जीवन से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है, कितनी ही धन संपत्ति हो दुनिया बेरंग नजर आती है दोस्तों। जरा किसी हॉस्पिटल में चक्कर लगाकर देखे, जो भुगत रहे हैं उनसे पूछ कर देखिए क्या किसी तरह इस त्रासदी से बचा जा सकता है दोस्तों, क्या संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी इतनी पैदा कर दे कि किसी भी संक्रमण वायरस टॉक्सिन और दवाइयों के दुष्प्रभाव का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े दोस्तों, बीमारी हमारी बीमारियों के कारण को बाहर निकाल सके। तो दोस्तों जी हाँ, मैं कहता हूँ कुदरत ने मानव जीवन के लिए अनमोल भेंट किया है जिसका नाम है रेनेटस नोवा और जिसमें 9 मिलियन पड़ा है, उसमें एक प्रोडक्ट है किंग ऑफर। मैं स्टार्ट में ही बोला था कि पहले उसी के बारे में बताऊंगा और उसी गैनोडर्मा लुसिडियम के बारे में मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। गैनोडर्मा लुसिडियम क्या है, व्हाट इज गैनोडर्मा लुसिडियम दोस्तों? गैनोडर्मा लुसिडियम यह 5000 साल से मानव सभ्यता के लिए चमत्कारी और रहस्यमय है। रहस्यमय आप समझ सकते हैं भूल भुलैया जो लखनऊ में है दोस्तों, और भूल भुलैया ऐसा है रहस्यमय होता है, रहस्यमय हर्ब के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चीन तथा जापान के लोग दंत कथाओं में इसे अमर होते होने के लिए प्रयोग करते थे, इसे औषधियों का राजा कहा जाता है दोस्तों। इसे मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम औषधि की मान्यता प्राप्त है दोस्तों। दोस्तों आगे हम बताएंगे इसका बोटैनिकल नेम क्या है दोस्तों, इसका बोटैनिकल नेम जो हमारे बॉटनी से MSc BSc किए होंगे दोस्तों उनको वैज्ञानिक नाम पता होगा, और बोटैनिकल नेम इसका जो है उसका बोटैनिकल नेम है गैनोडर्मा। और दोस्तों जो हमारे रेनेटस का नाम हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सुनाकर नायक सर जी ने रखा है, उसका भी री प्लस नाटस होता है, दो वर्ड को लेके एक में समाहित किया गया दोस्तों। री मतलब पुनर, नाटस में जीवन, अगर हम रेनेटस वेलनेस के रेनेटस प्रोडक्ट खाते हैं दोस्तों तो हमारा पुनर्जीवन हो ही जाता है
और इसी तरह गैनोडर्मा का अर्थ होता है दोस्तों, जो गैनो का अर्थ होता है वो भी दो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। गैनो का अर्थ होता है चमकता और डर्मा का डर्मा का अर्थ आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, चमड़ी से संबंध रखता है और डर्मा और चमड़ी को कहते हैं दोस्तों। तो यानी कि अगर हमारे 9 इंग्रेडिएंट्स में जो गैनोडर्मा मिला हुआ है दोस्तों, अगर उसको हम लेते हैं तो हमारी चमड़ी चमकती है, यानी स्किन की कोई भी डिजीज ऐसी होती है जिससे बचाता है दोस्तों। और जो हमारा तीसरा काज ऑफ डिजीज है रेडिएशन अटैक दोस्तों, उससे बहुत ही शानदार बताता है, इसीलिए इसको कैंसर की प्राथमिक दवा घोषित किया गया है दोस्तों। तो चीन में इसे लिंगजी, जापान में इसे ऋषि, अमेरिका में इसे मनाटाका, रूस में इसे छागा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आम भाषा में मशरूम, कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी, वो खुम्बी आदि के नाम से भी इसे विश्व भर में जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों आगे जाना जाता है विश्व भर में गैनोडर्मा अपने चमत्कारी परिणामों के कारण अचरज का विषय बना हुआ है दोस्तों। कहा जाता है कि इसके सेवन करने से मानव निरोगी रहकर समान आयु से अधिक स्वस्थ जीवन जीता है दोस्तों। इसकी राष्ट्रीय औषधि गुरु की अनुसंधान रिपोर्ट संबंधित लगभग 7 लाख से भी अधिक वेब पेज इंटरनेट पे देखे जा सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे 3 साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च किए हैं इस प्रोडक्ट का दोस्तों, तो इसमें गैनोडर्मा का भी रिसर्च जो हुआ है वो गैनोडर्मा पर विशेष रूप से रिसर्च के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने एक समूह का गठन किया है दोस्तों। आप नोट भी कर सकते हैं कि गैनोडर्मा पर विशेष रूप से रिसर्च के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक ने एक समूह का गठन किया है दोस्तों, जिसका नाम है गिरी, GIRI गिरी, गैनोडर्मा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, जो जिसकी स्थापना जिसका जन्म 1993 में हुआ था दोस्तों। गैनोडर्मा का इतिहास सर्वप्रथम लिखित रूप से 3000 ईसा पूर्व के चीनी ग्रंथों में इसके औषधि गुणों का भरपूर उल्लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। सेंग नॉन्ग्स हर्बल क्लासिक, जिसे चीन की गीता माना जाता है दोस्तों, जो हमारे वहाँ गीता होता है उसे चीन की गीता माना जाता है दोस्तों। सेंग नॉन्ग हर्बल क्लासिक, जिसे चीन की गीता माना जाता है दोस्तों, में वर्णित 365 शक्तिशाली औषधियों में इसे एवन सुपीरियर हर्ब के नाम से की श्रेष्ठता जड़ी बूटी के रूप में वर्णन किया गया है दोस्तों। चरक संहिता में भी छत्रक चिकित्सा के रूप में इसका वर्णन किया गया है। चीन में प्रचलित समृद्धि की देवी के हाथ में गैनोडर्मा का फल दिखाया गया है दोस्तों। हदीस शरीफ की किताबों में खुम्बी अर्थात मशरूम के लिए अलकम अतु का शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। अरब के लोग नवारतु अद आसमानी बिजली की सब्जी का नाम भी देते हैं दोस्तों। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ फरमाई है दोस्तों। उन्होंने कहा है खुम्बी मन में से है, इसका पानी आंखों के लिए शिफा होता है दोस्तों। आधुनिक काल में गैनोडर्मा का उपयोग कैसे करते हैं, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो हैं दोस्तों, भारत में गैनोडर्मा का उपयोग विश्व के अन्य देशों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के पश्चात विश्व के 9वें देश के रूप में गैनोडर्मा के सेवन का शुभारंभ सन 2000 में दक्षिण भारत से हुआ था दोस्तों। आज संपूर्ण विश्व के लगभग 150 से भी अधिक देशों के करोड़ों लोगों इसके सेवन से स्वस्थ होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। प्रकृति के इस अद्भुत देन को भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय से आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आगे थोड़ा सा हम विशेषता बताते हैं जो हमारे रिनाटस नोआ के 9 इंग्रेडिएंट्स में गैनोडर्मा मिला हुआ है दोस्तों। इसके सेवन से लंबी आयु और उत्तम तंदुरुस्ती मिलती है दोस्तों। शरीर के समस्त कोषों को तंदुरुस्त कर नवजीवन प्रदान करती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करती है दोस्तों। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सभी रोगों के उपचार में सहायक करती है दोस्तों। और दोस्तों प्रत्येक उम्र या किसी भी प्रकार के विजाति द्रव्य व कोई भी साइड इफेक्ट न करने वाली जड़ी बूटी होता है दोस्तों। इसका असर शरीर के किसी एक अंग या टिश्यू तक सीमित नहीं होता है, बल्कि शरीर के गहरे सेल्स तक पहुंचकर संतुलन करती है। इसलिए जापान में इसे सरकार के द्वारा कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया है दोस्तों। यह कोई ड्रग नहीं होता है, दवा नहीं होता है दोस्तों।
और आप भी जानते हैं कि दवाई यानी कि दवाई मसल्स पे ही दबा देता है वो और दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट कर देता है दोस्तों, लेकिन इसकी गिनती हाई थेरेप्यूटिक वैल्यू रखने वाली पूरक पोषा आहार में की गई है दोस्तों, किसी भी चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध नहीं है हमारा जो यूनाइटेड नोवा प्रोडक्ट है दोस्तों, अर्थात किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इसका सेवन किया जा सकता है दोस्तों, इसके लाभ स्वतः ही सभी दवा चुरा देने में समर्थ होता है दोस्तों। शुगर के लिए ले रहे हैं हम अंग्रेजी दवा ले रहे हैं साथ में, शुगर जिस दिन नॉर्मल हो जाएगा कोई डॉक्टर बताइए दोस्तों कि शुगर की दवा देगा हमको, नहीं देगा किस। और दोस्तों इसमें वृद्ध लोगों को ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान रखने में मदद करता है दोस्तों, और दोस्तों भविष्य में किसी रोग को पनपने नहीं देता है। अन्य चिकित्सा पद्धति के दुष्परिणामों को भी बहुत ही शानदार दूर करने की ताकत रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोडक्ट है रिनेटस नोवा, इसमें जो गैनोडर्मा का इतिहास है आपने देखा सुना, और दोस्तों हम जो प्रोडक्ट रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में जो सिंगल एकमात्र प्रोडक्ट है दोस्तों, यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक इसलिए है दोस्तों कि हमारे जो साइंटिस्ट तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर इतना शानदार तरीके से 350 मिलीग्राम के कैप्सूल में इसको डाल के हम लोगों के समक्ष पेश किए हैं दोस्तों। तो ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो पांच तरीके से हमारे शरीर में हमारा प्रोडक्ट रिनेटस नोवा काम करता है, जो जिसमें मैंगो स्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, ब्लैक करंट, एल्डरबेरी, सोर चेरी, सिग्रू, रास्पबेरी, गैनोडर्मा लुसिडियम और जो मिलाया गया है वो पांच तरीके से काम करता है। सबसे पहला काम स्कैनिंग का करता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में जैसे ही हम लेते हैं तो दोस्तों शरीर में जाने के बाद सबसे पहला कार्य स्कैनिंग का करता है, अर्थात कोशों में पहुंचकर यह तलाश करता है कि कहां किस रोग के जीवाणु हैं, कौन सा सेल्स कमजोर है, उसमें क्या दूषित पदार्थ पड़े हैं दोस्तों। शरीर के अनुसार हमारा बॉडी सेल से निर्माण हुआ हमारा बॉडी, और हम और आपकी सेल्स जो भी है सबकी सेल्स अलग अलग होती है, उस तरह से यह हमारा शरीर में 2 दिन में भी हो सकता है दोस्तों स्कैनिंग का काम, और 30 दिन में भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें साफ साफ आपको पता भी चल जाएगा कि हम रिनेटस नोवा कैप्सूल कितने दिन तक ले सकते हैं। दूसरा जो काम आता है दोस्तों वो क्लीनिंग का काम आता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम आता है दोस्तों, जो टॉक्सिन एक्युमुलेशन हमारा होता है कॉज ऑफ डिजीज, उस वो डिजीज को बाहर निकालने का काम आता है, जो 1 से 30 हफ्ते का टाइम लेता है दोस्तों। ये स्कैनिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद दोस्तों सेल्स से जीवाणु और दूसरे पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ होता है। ये सभी जीवविष हमारे शरीर के विभिन्न एस्केरेटरी ऑर्गन से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जक अंगों से बाहर निकलते हैं दोस्तों, जैसे जल में घुलनशील जीव विष का निष्कासन पसीने या मूत्र के द्वारा होता है दोस्तों, इसी प्रकार जल में अघुलनशील जीव विषों का निष्कासन मल इत्यादि से होता है दोस्तों। क्लींजिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद दोस्तों तीसरा आता है रेगुलेटिंग का कार्य आता है, जो 1 से 12 महीने का टाइम लेता है दोस्तों, वो बैलेंसिंग का कार्य होता है। क्लींजिंग के बाद हमारे जो सिस्टम तंत्र अवयव को संतुलन करने का कार्य प्रारंभ होता है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप हम रोग मुक्त होने लगते हैं दोस्तों। तो साफ शब्दों में हमको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि एक खुराक दो खुराक की ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं है कि खाया और बुखार गायब, यानी कि बुखार को किसी अलग आर्गन में दबा दिया आपका टेम्परेचर लो हो गया, ये 12 महीने हमको खाना ही पड़ेगा दोस्तों। चौथा काम आता है दोस्तों बिल्डिंग का, जो निर्माण का काम आता है दोस्तों, 6 से 24 महीने का काम ये टाइम लेता है हमारा, और टूटी फूटी हुई सेल्स को पुनः ठीक करने का कार्य इस क्रम में आता है दोस्तों। इसमें शरीर के अंगों की हीलिंग, दुर्घटना आदि में नष्ट हुए कोशों की मरम्मत का कार्य पूर्ण होता है दोस्तों। और पांचवा शानदार चीज जो होता है रीजनरेशन का दोस्तों, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का टाइम लेता है दोस्तों इसमें, जो हमारा रिनेटस नोवा होता है। और शरीर में इसका अंतिम कार्य नए सेल्स को के पुनर्जीवन का होता है, यानी कि रिनेटस का होता है दोस्तों, जो वृद्धावस्था को पीछे ले जाकर नव यौवन प्रदान करता है। इस कार्य को पूर्ण होने में अधिक से अधिक 1 वर्ष से 3 वर्ष का समय लेता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारे वहाँ रिनेटस नोवा प्रोडक्ट है उसमें जो 9 इंग्रेडिएंट्स है उसकी काम कैसे होती है, स्कैनिंग, क्लींजिंग, बैलेंस, बिल्डिंग, रीजनरेशन दोस्तों।
और आप और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, कोशिका बीमार तो शरीर बीमार, कोशिका मृत तो शरीर मृत, यानी कि उस समय हमारी कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आगे की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं दोस्तों कि इसका सेवन करने की जो विधि है वो हम इसके सेवन से विशेष कुछ निर्देश है जो उस निर्देश को हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं दोस्तों। जो रिनेटस नोवा प्रोडक्ट है प्रायः खाली पेट लेने से सर्वाधिक फायदा होता है दोस्तों। सेवन का समय जो होता है 5 बजे से 7 बजे सुबह और शाम को 5 बजे से 7 बजे शाम को बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों। अगर रिनेटस नोवा आप प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों उसमें प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन अगर तीव्र हो तो थोड़ा कम कर ले दोस्तों, बट उसका सेवन न बंद करें दोस्तों। उस समय पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जिससे हमारे टॉक्सिन का निष्कासन होने में मदद मिल सके दोस्तों। और दोस्तों ये जो रिनेटस नोवा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसका डोजेस है दोस्तों, जो हमें ऑफलाइन से मिलके महागुरु से मिलके हमें डिस्कस कर लेना चाहिए उसको, कब आप विजिट कैसे है क्या है दोस्तों। एक बहुत ही शानदार इसी में पॉइंट आता है, अगर प्रक्रिया में दस्त का बढ़ना शुगर का बढ़ना होने लगे तो यह सुधारवादी प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसे साइड इफेक्ट या कुप्रभाव नहीं समझना चाहिए, किसी रोग को मिटाने का यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो 3 से 10 दिन में ऑटोमेटिक शांत हो जाता है दोस्तों। इस समय धैर्य रखें, यदि पीड़ा असहनीय है तो आप किसी भी दवा का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इस अवस्था में रिनेटस नोवा का सेवन जारी रखें क्योंकि हमारे शरीर में जो हानिकारक विष है वो शरीर से बाहर निकलने के बाद प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में रिनेटस नोवा की मात्रा कम कर सकते हैं परंतु बंद नहीं कर सकते हैं, और हमारे वहां जैसे ही रिफ्लेक्शन आता है लोगों को दर्द बढ़ता है, दस्त लगता है, ये प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, वहीं से टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है और फिर हमारे प्रोडक्ट को और हमको आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आपको पता ही हो गया होगा कि रिनेटस नोवा का प्रयोग हम 1 वर्ष से लेकर 3 साल तक अगर करते हैं तो हम एकदम रोग मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्शन आता है जो बीमारी को प्रकट भी करता है हमारा ये प्रोडक्ट, अगर आपके अंदर शरीर के अंदर बीमारी कोई होता है, आप पेट की समस्या के लिए आपके फेफड़े की समस्या को दूर कर रहा है तो कुछ रिफ्लेक्शन भी आते हैं, दिखाता भी है जो बाहरी लक्षण होता है दोस्तों। जब हम रिनेटस नोवा का सेवन करते हैं तब जीव भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं दोस्तों, और हमें कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह लक्षण केवल हमारे शरीर से जीव विष निकालने के परावर्तन रिफ्लेक्शन है दोस्तों। यह शरीर और हमारा शरीर इस रोग परिवर्तन को विभिन्न लक्षणों से दिखाता है। बाहरी लक्षण में हमारा चेहरा आता है दोस्तों, फेस आता है, फेस में आंख, नाक, होंठ, मुंह और जीभ होता है दोस्तों। जैसे ही आंखों से जिगर की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप, लाल आंख जिगर में जीव विष की उच्च मात्रा को दर्शाती है या इस ओर भी इंगित करता है शरीर से जीव विष बाहर निकल रहे हैं। धुंधली दृष्टि इस बात का संकेत है कि जिगर सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है दोस्तों। आंसू भरे आंखें भावनात्मक परेशानी विशेष रूप से गुस्से को दर्शाती है दोस्तों। तो ये है हमारा आंख की कहानी दोस्तों। अगर आंख में ऐसा परेशानी होता है तो सीधे सीधे समझिए कि जिगर में हमारे बहुत ही ज्यादा टॉक्सिन है, उसको निकालने के बाद ये फिर आंख की परेशानी ठीक हो जाती है। नाक का संबंध हमारे फेफड़े और गले से करीबी का संबंध है दोस्तों। बहती हुई नाक फेफड़े से जीव विषों के निष्कासन को दर्शाती है। अवरुद्ध नशादार नथुने फेफड़े में जीव विष की अत्यधिक मात्रा का आभास कराती है दोस्तों। खांसी के साथ कफ का निष्कासन इस बात का आभास कराता है दोस्तों कि शरीर को जीव विषों टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए दोस्तों। अतः हम सब बताते हैं कि कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए दोस्तों। इस स्थिति में हमें पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए दोस्तों। होंठ पाचन तंत्र से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंध रखता है दोस्तों। पीलापन लिए होंठ कमजोर पाचन तंत्र को दर्शाती है दोस्तों। हमारे शरीर में टॉक्सिन को अधिकता का आभास सूखे और फटे हुए होठों से होता है दोस्तों। मुंह और जीभ हृदय गति से रक्त संचार और हृदय से करीब से जुड़े होते हैं दोस्तों। जीभ या मसूड़ों में सूजन व दर्द हृदय के वाल्व का कमजोर होना, चर्बी होना इत्यादि को दर्शाता है दोस्तों। कान का संबंध गुर्दे के करीब करीब से होता है दोस्तों। अवरुद्ध कान गुर्दे में जीव विषों की
ठीक मात्रा का आभास कराते हैं दोस्तों। पसीना आना दोस्तों, यानी कि नमकीन खारा पसीना का अर्थ है शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा होती है। पसीने में बदबू होना दोस्तों शरीर से जीव विषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों। ददोरे और खोरे, यहाँ पे शानदार समझने लायक पॉइंट है दोस्तों, अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे टॉक्सिन हमारे एस्केरेटरी आर्गन पेशाब पैखाना के रास्ते नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, हमारे स्किन से निकलेंगे। ददोरे फोड़े के रूप में जीव विषों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को इंगित करता है दोस्तों। ददोरे के साथ त्वचा में खुजली भी होता है तो ये जीव विषों के बाहर निकलने की टॉक्सिन बाहर निकलने की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों। त्वचा पर फफोले होना शरीर में और घुलनशील जीव विषों की उच्च मात्रा को दर्शाता है दोस्तों। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना दोस्तों गुर्दे में कमजोर होने का आभास, गुर्दे के कमजोर होने का आभास कराता है दोस्तों। जोड़ हाथ और पैर दोस्तों, जोड़ हाथ और पैर का संबंध हमारे कंधे में दर्द आदि जोड़ों में किसी चोट और गठिया रक्त वाहिनियों के सख्त होने या उपापचन प्रक्रिया को के कमजोर होने का आभास कराता है दोस्तों। बाएं हाथ में शून्यता अगर होती है एक कमजोर हृदय को प्रतिलक्षित करता है दोस्तों। इसमें यह भी पता चलता है दोस्तों कि शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से में रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं होता है, रिनेटस नोवा हम लोग खाते हैं तो सुचारू रूप से होने लगता है, फिर ये समस्याएं दूर होने लगती है दोस्तों। तलवे में दर्द कमजोर गुर्दे को दर्शाता है दोस्तों। एड़ियों में दर्द कमजोर सेक्स क्रिया को दर्शाता है दोस्तों। तलवे में गर्म होने का एहसास गुर्दे के नियमन नियंत्रण प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों। और पैरों की उंगलियों के बीच खुजली होना हांग कांग फूड नाम की बीमारी को बीमारी का प्रारंभिक लक्षण होता है दोस्तों। इसी प्रकार आंतरिक लक्षण भी आते हैं दोस्तों, बाहरी लक्षण तो हमने बता दिया आपको, आंतरिक लक्षण में आता है दोस्तों जब हम रिनेटस नोवा प्रयोग करते हैं दोस्तों तो समांतर सिर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं रक्त संचार हृदय और मस्तिष्क के नसों से जुड़ी होती है दोस्तों। सिर के अग्रभाग में दर्द या चक्कर आना नर्वस सिस्टम को इंगित करता है, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र को इंगित करता है दोस्तों। सिर के पिछले भाग में दर्द या चक्कर आना, जैसे हम रिनेटस नोवा लेते हैं कोई बताता है कि सर हमने रिनेटस नोवा लिया मेरे पिछले भाग में दर्द या चक्कर आता है, तो वहां पे दो टाइप का होता है। ऊपरी भाग में दर्द या चक्कर आना दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को बताता है और निचली भाग या गर्दन में दर्द लो ब्लड प्रेशर को बताता है दोस्तों। सिर में दर्द और पिंडक से गैस का निकलना आभासी यानी माइग्रेन